अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का जो दिन है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज एक गाड़ी है मेरे पास, उसका इंजन भी क्लीन कराना है। ये होंडा एलेंट्रा 2009 मॉडल है ये। इसका इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसकी क्लीनिंग के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले इंजन डीग्रीसर की, जो मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ है दूसरी गाड़ी में। देखते हैं अगर वो काफ़ी है, नहीं तो फिर दूसरा ख़रीदना पड़ेगा नया। ये इंजन डीग्रीसर है, देखते हैं अगर ये काफ़ी है, नहीं तो एक और ख़रीद के इसको यूज़ करूँगा मैं। तो अभी इस टाइम मैं सर्विस स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, शायद आपको आवाज़ बहुत कम आ रही होगी। इंजन की हालत दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ये गंदा हो रहा है अंदर से। सबसे पहले इस पे मैं ये स्प्रे मारूँगा, फिर उसके बाद इसको वॉश करा दूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और जितना स्प्रे मैं उस पर मार सकता था मैंने मार दिया। अभी डीज़ल लगवाया है, डीज़ल लगवा के अभी इसको क्लीन करेंगे। ये भाई साफ कर रहे हैं अभी। और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप हर गाड़ी का इंजन जो है वो पानी से धोएं। ये कुछ गाड़ियाँ ही होती हैं जिनके आप इंजन बे को आराम से धो सकते हैं, और वो भी सबसे पहले आपको जो उसका कंप्यूटर है उसको कवर करना होता है। हमारा जो इंजन है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है, और इसका जो कुछ प्लास्टिक है इसकी डिटेलिंग रहती है वो मैं खुद अभी कर दूंगा, क्योंकि डीजल की वजह से थोड़ा ड्राई हो गया है प्लास्टिक। ये क्लीन होने के बाद कुछ ये रिजल्ट्स हैं इसके, काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। इंजन की जो बिफ़ोर और आफ्टर फ़ोटो है वो मैं शेयर कर दूंगा, और आज के ब्लॉग तो करते हैं यहीं ख़त्म, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।